हेलो स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ के लिए हमारा जो रिसोल्यूशन बुक का चैप्टर चल रहा था द फीस्ट ऑफ द डेड, वह हमारा कुछ रह गया था शेष, तो उसका अब हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए, द नेक्स्ट डे वॉज द सेम, अगला दिन भी बिल्कुल ऐसा ही निकला। बाय द नेक्स्ट आफ्टरनून द लिटिल वन हैड स्टार्टेड क्राइंग विद हंगर, अगले दिन की दोपहर को वह जो छोटा लड़का था जो कि 6 वर्ष का था वह भूख से रोने लगा। गुलनाज केप्ट होपिंग समवन वुड सेंड फॉर हर टू वॉश क्लॉथ्स, गुलनाज ने यह आशा की कि शायद किसी का बुलावा आ जाए कपड़े धुलवाने के लिए। बट द पीपल ऑफ द स्ट्रीट, लेकिन गली के लोगों ने सोचा इट वुड बी इनकॉन्सिडरेट, कि अच्छा नहीं होगा टू कॉल हर फॉर वर्क, अभी उसका पति मरा है और पति मरते ही उसे काम पर बुलाना ठीक नहीं होगा, इसलिए उन्होंने उसे काम पर भी नहीं बुलाया। द डे आफ्टर नो वन इन द हाउस होल्ड थॉट ऑफ गेटिंग अप, उस दिन पूरे दिन किसी ने भी उठने की नहीं सोची। दे आल हैड विजन्स ऑफ फूड, वो तो केवल लेटे लेटे ही भोजन के दृश्य देख रहे थे। द यंगर बॉय सा सॉफ्ट एंड फ्लफी ब्रेड, छोटा लड़का तो मुलायम और फूली फूली रोटी ही देख रहा था। द ओल्डर बॉय सा स्वीट्स इंस्टीड, जबकि जो बड़ा लड़का था वह मिठाइयाँ देख रहा था। इफ ओनली ही हैड देम वंस मोर, वह सोच रहा था कि यदि एक बार और उसे ये सारा भोजन मिल जाए, ही वुड ईट देम वन बाय वन, तो वह निश्चित रूप से ये सारे भोजन को एक एक करके खाएगा। सेवरिंग ईच माउथफुल, और एक बार में ही अपना मुंह भर लेगा। व्हाट अ फूल ही हैड बीन टू हैव ईटन ऑल हिज शेयर एट वंस, वास्तव में कितना मूर्ख था वो जो उसने एक बार में ही अपना सारा भोजन खा लिया था। गुलनाज ले इन हर बेड, गुलनाज अपनी बिस्तर पर लेटी हुई थी। लिसनिंग टू द मर्मरर्स ऑफ हर चिल्ड्रन, वह अपने बच्चों की बातें सुन रही थी। टीयर्स फ्लोविंग साइलेंटली डाउन हर चीक्स, उसके गालों से चुपचाप आंसू बह रहे थे। लाइफ वेंट ऑन इन द स्ट्रीट आउटसाइड एज बिफोर, गली में बाहर रोजाना की तरह ही जीवन जिया जा रहा था। ए डोर क्लोज्ड, तभी एक दरवाज़ा बंद हुआ। शी न्यू, वह जानती थी, इट वॉज द बॉय नेक्स्ट डोर गोइंग टू स्कूल, कि यह पड़ोसी का लड़का है जो कि स्कूल जा रहा है। फुट स्टेप्स साउंडेड आउटसाइड, बाहर की तरफ चहलकदमी की आवाज़ आ रही थी। दिस टाइम इट वॉज तहसिन अफेंडी, अब की बार तहसिन अफेंडी था द बारबर, जो एक नाई था। वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट टू ओपन हिज शॉप, वह अपनी दुकान खोलने के लिए जा रहा था। द नेक्स्ट वन वॉज द क्लर्क इन द इलेक्ट्रिक कंपनी, और जो अगला व्यक्ति था वह इलेक्ट्रिक कंपनी का एक बाबू था। देन द शू मेकर, उसके बाद एक जूते बनाने वाला था। एंड देन द ब्रेड मैन, फिर एक ब्रेड बेचने वाला व्यक्ति था। हु कम्स टू द व्हाइट हाउस एवरी डे, जो कि प्रत्येक दिन व्हाइट हाउस में आता है एट द सेम टाइम, इसी समय। द बिग बास्केट टाइड टू बोथ साइड ऑफ हिज हॉर्स, वह अपने घोड़े के दोनों तरफ बहुत बड़ी बड़ी टोकरियां बांधे रखता है। वर फुल ऑफ ब्रेड, जो कि ब्रेड से भरी हुई थी। द क्रैकिंग ऑफ द बास्केट्स कुड बी हर्ड फ्रॉम फार अवे, ज़्यादा भरी होने के कारण टोकरियों के चरमराने की आवाज़ दूर से भी सुनी जा सकती थी। इट वॉज द ओल्डर बॉय हु फर्स्ट हर्ड इट, यह बड़ा वाला लड़का ही था जिसने उसकी आवाज़ सबसे पहले सुनी। एंड लुक्ड टुवार्ड्स हिज यंगर ब्रदर, और फिर वह अपने छोटे भाई की तरफ देखने लगा। गुलनाज गोट अप इन द कोल्ड रूम, गुलनाज ठंड की वजह से ठंडे हुए कमरे में खड़ी हुई। एंड पुट आ रैप राउंड हर टू गो आउट, और उसने अपने चारों तरफ एक शॉल लपेटा बाहर जाने के लिए। शी हैड डिसाइडेड टू आस्क फॉर 2 loaves ऑफ ब्रेड ऑन क्रेडिट, उसने यह निश्चय कर लिया था कि वह ब्रेड वाले से उधार में 2 पैकेट ब्रेड के ले लेगी। शी कुड पे व्हेन शी गोट मनी, और उसे पैसे चुका देगी जब उसके पास पैसे आ जाएंगे। फ्रॉम लॉन्ड्रिंग, कपड़े धोने के बाद। शी ओपन्ड द डोर, उसने दरवाज़ा खोला। एंड सा द बास्केट फुल टू द ब्रिम विद फ्रेश स्पॉन्गी वाइट ब्रेड, जैसे ही दरवाज़ा खोला उसने देखा दोनों टोकरियाँ स्पंज और फूली फूली सफ़ेद ब्रेडों से भरी हुई थी। ए ब्यूटीफुल स्मेल वेंट अप हर नोज, ब्रेड की एक बहुत ही सुंदर गंध उसकी नाक के पास से गुजरी। एंड जस्ट एज शी वॉज अबाउट टू से समथिंग टू द ब्रेड मैन, और जैसे ही वह उस ब्रेड वाले से कुछ कह ही रही थी, ही शाउटेड, वह चिल्लाया, गिड्डी अप,
चलो आगे, टू द हॉर्स, हॉर्स से कह रहा था। एंड गुलनाज लॉस्ट ऑल हर करेज, गुलनाज ने अपना पूरा साहस खो दिया। नो वर्ड्स केम फ्रॉम हर माउथ, उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। एंड हेवनली स्मेलिंग फूड पास्ड बाई हर हाउस, और इतना सुंदर गंध वाला जो भोजन था वह उसके घर के पास से निकल गया। बट शी कुड नॉट स्ट्रेच आउट हर हैंड एंड टेक इट, लेकिन वह अपने हाथ से एक भी ब्रेड नहीं ले पाई और वापस घर के अंदर आ गई। शी केम इनसाइड, वह अंदर आई बट डिड नॉट डेयर लुक इन टू द फेवर्ड आइज ऑफ हर सन्स, लेकिन वह अपने पुत्रों की आँखों में देखने का साहस नहीं कर पाई। वेटिंग होपफुली, जो उसका बहुत ही आशा लगा इंतजार कर रहे थे। नॉट ए वर्ड वाज स्पोकन इन द रूम, कमरे में एक शब्द तक नहीं बोला गया। द बॉयज सिंपली लुक्ड एट हर एम्प्टी हैंड्स, लड़कों ने साधारण तौर पर उनके खाली हाथों पर देखा। एंड टर्न्ड देयर आइज अवे, और अपनी आँखें फेर ली। इट वाज ए लॉन्ग टाइम लेटर, काफ़ी लंबे समय के बाद द यंगर बॉय ब्रोक द साइलेंस, छोटे लड़के ने अपनी चुप्पी तोड़ी। मदर आई कैन नॉट स्टैंड इट एनी मोर, माँ अब मैं आज और अधिक खड़ा नहीं रह सकता। समथिंग इज़ हैपनिंग इनसाइड माई टमी, मेरे पेट में कुछ कुछ हो रहा है। डोंट वरी माई स्वीट सन, चिंता मत करो मेरे प्यारे बेटे। इट इज़ हंगर, यह भूख है। आई फील इट टू, मुझे भी ये महसूस हो रही है। आई एम डेइंग, मैं मरा जा रहा हूँ। द ओल्डर बॉय ओपन्ड हिज आइज़ एंड लुक्ड एट हिज ब्रदर, उस बड़े लड़के ने अपनी आंखें खोली और अपने भाई की तरफ देखा। गुलनाज लुक्ड एट बोथ ऑफ देम, गुलनाज ने उन दोनों की तरफ देखा। द लिटिल बॉय वाज साइलेंट, छोटा लड़का बिल्कुल चुप था। हिज फेस वाज डार्कर, उसका चेहरा लाल हो रहा था। हिज लिप्स ड्राई, उसके होंठ सूख गए थे। एंड पार्च्ड, और पीले पड़ गए थे। हिज ब्लडलेस स्किन फेडेड एंड होलो, उसकी रक्तविहीन त्वचा पीली और कमज़ोर पड़ गई थी। फाइनली अंत में गुलनाज बैकॉन्ड टू द ओल्डर बॉय, गुलनाज ने अपने बड़े लड़के को बुलाया। एंड दे लेफ्ट द रूम, और उन्होंने कमरा छोड़ दिया। टू टॉक आउटसाइड, बाहर बातें करने के लिए। वी मस्ट गो टू बोदोज, हमें बोदोज के पास जाना चाहिए। द ग्रोसर, जो कि एक व्यापारी है। वी मस्ट आस्क फॉर सम राइस, हमें उससे कुछ चावल, फ्लोर, आटा एंड पोटेटोज, और आलू के लिए कहना चाहिए। टेल हिम, उसे बताओ। वी विल पे हिम इन ए फ्यू डेज, कि हम उसे कुछ दिनों में पैसे दे देंगे। द बॉयज शेबी कोट वॉज नॉट हैवी इनफ टू कीप आउट द कोल्ड आउटसाइड, लेकिन उस लड़के का जो गर्म कोट था वह इतना गर्माहट वाला नहीं था कि वह बाहर की ठंड को रोक सकता था। ही हैड नो स्ट्रेंथ इन हिज लेग्स, उसके पैरों में भी दम नहीं था। एंड हैड टू स्टडी हिमसेल्फ अगेंस्ट द वॉल्स एज ही वॉक्ड, और जैसे ही वह आगे चलता दीवार का सहारा ले लेकर आगे चलता। फाइनली अंतिम रूप से ही रीच्ड द स्टोर, अंत में वह दुकान पर पहुंच गया। ऑन द हिल, पहाड़ी पर। एंड एंटर्ड द वार्म रूम, और उसने गर्म दुकान में प्रवेश किया। ही वेटेड अंटिल ऑल अदर कस्टमर्स हैड लेफ्ट, वह उस दुकान में घुसकर एक तरफ खड़ा होकर इंतजार करने लगा जब तक कि सारे ग्राहक चले जाते। होपिंग टू बी एबल टू टॉक टू द ग्रोसर इन प्राइवेसी, वह यह सोच रहा था कि सारे ग्राहकों के जाने के बाद वह दुकानदार से अकेले में बात करेगा। एंड टू एंजॉय द वार्मथ अ लिटिल लॉन्गर, और इसलिए कुछ देर के लिए और इस गर्म दुकान में खड़े होकर अपनी सर्दी को भगा लेगा। देन ही लेफ्ट हिज प्लेस बाय द फायर साइड, इसके बाद वह कुछ देर आग वाले स्थान पर जाकर खड़ा हो गया। एंड ऑर्डर्ड अ पाउंड ऑफ राइस, एक पाउंड चावल का ऑर्डर दिया। ए पाउंड ऑफ फ्लोर, एक पाउंड आटे का। एंड अ पाउंड ऑफ पोटेटोज, और एक पाउंड आलुओं का ऑर्डर दिया। ही पुट हिज हैंड इन टू हिज पॉकेट, उसने अपना हाथ अपनी जेब में डाला। एज इफ रीचिंग फॉर हिज मनी, जैसे वह पैसे ढूंढ रहा हो। एंड देन, और फिर प्रटेंडेड टू हैव लेफ्ट इट एट होम, उसने बहाना बनाया कि शायद मैं तो पैसे घर पे ही भूल आया। ओहो, आई सीम टू हैव फॉरगॉटन इट एट होम, अरे मुझे लगता है मैं तो पैसे घर पर ही भूल आया। आई हैड हेड टू हैव टू गो ऑल द वे होम इन दिस कोल्ड, और अब मुझे इतनी सर्दी में घर जाते हुए बड़ा गुस्सा आएगा। एंड कम बैक अगेन, और फिर मुझे वापस आना पड़ेगा। राइट इट डाउन, ऐसा करो इस सबको लिख लो। एंड आई विल पे यू टुमोरो, और कल मैं तुम्हें इसका पैसा चुका दूंगा। इट वाज अ ब्रेव अफोर्ट बट द ग्रोसर न्यू द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड टू वेल, यह उस लड़के के द्वारा किया गया एक अच्छा प्रयास था, लेकिन जो ग्रोसर यानी व्यापारी था वह व्यापार की सारी
जो चालाकियाँ होती हैं उनको जानता था। फर्स्ट ब्रिंग द मनी, उसने कहा पहले पैसे लाओ, देन यू कैन टेक द गुड्स, तभी तुम इन चीज़ों को हाथ लगा सकते हो। यू हैव बिकम सो थिन, तुम इतने पतले हो गए हो। सम वन हु हैज़ मनी एट होम डज नॉट गेट सो थिन, जिसके पास घर पर पैसा होता है वह इतना कमज़ोर नहीं हो सकता। द बॉय हरिड आउट एम्ब्रेस टू हैव हिज लाइफ फाउंड आउट, लड़का इस बात से शर्मिंदा होकर कि उसका झूठ पकड़ा गया वह दुकान से तुरंत बाहर हो लिया। ही फाउंड द आइसीनेस ऑफ द स्ट्रीट मोर अनबियरेबल, अब उसे बाहर दुकान के बाहर आने पर गली की जो ठंड थी वो उसके लिए असहनीय थी। देन ही हैड बिफोर ही एंटर्ड द स्टोर, बजाय इसके कि जब उसने दुकान में प्रवेश किया। एट द कॉर्नर, कोने में ही सा स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनी ऑफ द व्हाइट हाउस, उसने देखा कि व्हाइट हाउस की चिमनी से धुआं निकल रहा था। हाउ हैप्पी वर द पीपल हु लिव्ड इन इट, वह सोचने लगा कि इस घर के लोग कितने खुश होंगे। इट डिड नॉट ऑक्यूर टू हिम टू बी जीलियस फॉर ऑफ देम, लेकिन वह उनसे जल नहीं सकता था, ईर्ष्या नहीं कर सकता था। ही हैड ओनली एडमायरेशन फॉर दीज पीपल, उसके मन में उन लोगों के लिए केवल प्रशंसा थी। हु हैड गिवन हिम द बेस्ट मील ऑफ द लाइफ, क्योंकि उन लोगों ने उन्हें जीवन का सबसे अच्छा भोजन दिया था। ही वॉक्ड होम एज फास्ट एज ही कुड, वह जितनी तेज़ी से हो सकता था उतनी तेज़ी से घर की तरफ चला। हिज टीथ चैटरिंग, उसके दांत बजने लगे, सर्दी से बजने लगे। देयर वॉज नो नीड टू से एनीथिंग टू हिज मदर एंड ब्रदर, उसे अपने माँ और भाई से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं थी। हिज एम्प्टी हैंड्स टोल्ड देयर ओन स्टोरी, उसके खाली हाथों ने उसकी सारी कहानी कह दी। ही टुक ऑफ हिज क्लोथ, उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए एंड वेंट टू हिज बेड, और अपने बिस्तर पर चला गया। एंड व्हेन ही स्पोक, और जब वह बोला, ही सेड, उसने कहा, आई एम कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है। द ब्लैंकेट रोज, कंबल उठाया, एंड फेल ऑन हिज ट्रेम्बलिंग बॉडी, और उसने कांपते हुए शरीर पर डाल लिया। देखिए यहाँ पे जो ये ब्लैंकेट आया है इसका अर्थ होता है कंबल। गुलनाज पाइल्ड ऑन हिम वॉट एवर शी कुड फाइंड, गुलनाज को घर में जो कुछ भी मिला उसने सब कुछ उसके ऊपर डाल दिया। द ट्रैम्बलिंग लास्टेड फॉर नियरली 2 आवर्स, यह कपकपाहट लगभग आगे के 2 घंटे तक चली। देन केम द फीवर, उसके बाद उसे बुखार आ गया। एंड द एक्सक्यूजन, और उसे कुछ मूर्छीपन सा आ गया, मतलब वो कुछ बेहोश सा होने लगा। द बॉय ले ऑन हिज बैक मोशनलेस, लड़का अपनी पीठ के बल बिल्कुल अचेत होकर पड़ा रहा। हिज आइज स्टेयरिंग वैकेंटली, उसकी आंखें खाली खाली दिखाई दे रही थी। गुलनाज लिफ्टेड द कवर्स, गुलनाज ने उसके ऊपर ढके हुए सारे कपड़े हटाए। एंड ट्राई टू कूल द बर्निंग बॉडी विद हर कोल्ड हैंड्स, और उसके जलते हुए शरीर को अपने ठंडे हाथों से ठंडा करने का प्रयास किया। सी पेस्ड दो द हाउस टिल इवनिंग, वह अपने ही घर में शाम तक इधर से उधर उधर से इधर चक्कर काटती रही, डेस्परेट, निराश होकर। शी डिड नॉट नो, वह नहीं जानती थी व्हाट टू डू, क्या किया जाए। शी कुड नॉट थिंक, वह सोच भी नहीं सकती थी। द सन वेंट डाउन, सूर्य छिप चुका था। शी नोटिस्ड द स्मॉल पाइल ऑफ कवर्स शी हैड टेकन ऑफ द बॉयज बॉडी, तभी उसे याद आया कि उसके पास बिस्तर का एक बंडल है जो कि उसने अभी अपने बेटे के शरीर के ऊपर से हटाया है। वुड नॉट देयर बी एनी बडी टू गिव सम मनी फॉर ऑल दैट, क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन सब के लिए कुछ पैसे दे दे। शी रिमेम्बर्ड, उसे अचानक याद आया दैट हर नेबर्स हैड टॉक्ड ऑफ ए जंक स्टोर, कि उसके पड़ोसियों ने एक बार एक कबाड़े वाले की दुकान के बारे में जिक्र किया था। वेयर दे बोट यूज थिंग्स, जहाँ पे वो उपयोग में लाई हुई चीज़ों को खरीदते थे। बट इट मस्ट बी क्लोज, लेकिन शायद वह अब बंद हो गई होगी। शी वुड हैव टू वेट टिल द मॉर्निंग, उसे आज सुबह तक तो इंतज़ार करना ही होगा। विद दिस डिसीजन केम पीस ऑफ माइंड, इसी निर्णय के साथ उसके दिमाग में कुछ शांति आई। एंड शी स्टॉप्ड पेसिंग, उसने इधर से उधर घूमना बंद कर दिया। एंड सैट डाउन बाय हर सन्स बिसाइड, और अपने बेटे के साइड में बैठ गई। द बॉयज़ फीवर इंक्रीज, लड़के का बुखार बढ़ता ही गया। सी सैट स्टेयरिंग मोशनलेस, वह अचेत होकर उसकी तरफ एक टक देखे जा रही थी। द यंगर बॉय कुड नॉट स्लीप फॉर हंगर, लेकिन छोटा बेटा जो था वो भूख की वजह से सो नहीं पा रहा था। ही टू वाज वॉचिंग हिज आइज ओपन, वह भी अपनी खुली आँखों से सब कुछ देख रहा था। द सिक बॉय मोंड स्लोली एंड टोस्ड, बड़े वाले लड़के ने धीरे से कुछ बोला एंड टोस्ड, और कुछ इशारा किया। एंड टर्न्ड इन हिज फीवर, और अपने ही बुखार में
करवटें ली। हिज चीक्स वर बर्निंग, उसके गाल जल रहे थे। एंड ही टॉक्ड इन डेलिरियम, और वह डरता डरता बोलने लगा। द यंगर वन सेट अप इन हिज बेड, छोटा लड़का उसके बिस्तर पर बैठ गया। एंड आस्क्ड इन ए वॉइस ऑडिएबल ओनली टू हिज मदर, और उसने केवल इतनी सी आवाज़ में जो उसकी माँ को ही सुन सके कहा, मदर, माँ, विल माई ब्रदर डाई, क्या मेरा भाई मर जाएगा। शी शिवर्ड एज इफ टचड बाई ए कोल्ड वाइंड, यह सुनते ही उसकी माँ ऐसे कांप गई जैसे उसको किसी ठंडी हवा ने छेड़ दिया हो। ओन हर स्किन, उसकी त्वचा पर ठंडी हवा दौड़ गई हो। शी लुकड एट हर सन विद फ्राइटेंड आइज, उसने डरी हुई आँखों से अपने बेटे की तरफ देखा। वाई डू यू आस्क दैट, तुम ऐसा क्यों पूछते हो। द बॉय वॉज साइलेंट फॉर ए मोमेंट, लड़का थोड़ी देर के लिए, थोड़े क्षण के लिए चुप हो गया। देन ही लीन्ड क्लोज टू हर ईयर, इसके बाद वह अपनी माँ के कान की तरफ लटका। एंड सैड सॉफ्टली, और धीरे से कहा, ट्राइंग टू हाइड हिज वॉइस फ्रॉम हिज ब्रदर, अपने भाई से अपनी आवाज़ को छिपाते हुए, बिकॉज देन फूड विल कम फ्रॉम द वाइट हाउस, क्योंकि अगर भाई मर जाएगा तो वाइट हाउस से हमारे लिए फिर से भोजन आएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारा चैप्टर था फीस्ट ऑफ द डेड, जो आज कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में ही रीड कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।